हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा पैटर्न बता रही हूँ जिसे आप लेडीज़ कार्डिगन, टॉप या फिर बच्चों के स्वेटर में भी डाल सकते हैं, या आप इससे एक स्कैलप्ड बॉर्डर डिज़ाइन भी बना सकते हैं। यह सभी में बहुत ही अच्छा लगता है। पर वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फ्रेंड, यह डिज़ाइन 16 के पैटर्न में चलता है, इसलिए मैंने इसमें 37 स्टिचेस कास्ट किए हैं। 16 × 16 32 + 3 = 35, और दो दो फंदे साइड में सिलाई के लिए ताकि हमारा पैटर्न डिस्टर्ब ना हो मैंने अलग से कास्ट किए हैं। स्टिचेस कास्ट ऑन करने के बाद आप दो लाइन बना लें, उसके बाद राइट साइड पे आप अपना पैटर्न शुरू करें। इसमें आप पहला फंदा उतार लें, अगले फंदे को आप उल्टा बुन लें, फिर उसके अगले दो फंदों को आप उल्टा एक साथ बना लें, फिर उसके बाद आपने 6 फंदे उल्टे बना लेने हैं। और जब 6 फंदे आप उल्टे बना लें, उसके बाद आप धागा अपनी तरफ रहते हुए एक फंदा सीधा बना लें इस तरह से। तो देखिए, एक फंदा एक्स्ट्रा हो जाएगा। जो हमने पहले पीछे दो फंदों को एक किया था वो यहाँ पर आकर बैलेंस हो गया है, और साथ ही हमारी एक जाली भी बन गई है। और उसके बाद आप पीछे से धागा लेते हुए 6 फंदों को फिर से आप उल्टा बना लें। धागा पीछे है और इसके बाद आप 6 फंदे आप उल्टे बनाएंगे। और जब आपके ये 6 फंदे उल्टे बन जाएं, तब आप 3 फंदे उल्टे ही आपने एक साथ बुन लेने हैं। ये देखिए, हमने 6 फंदे उल्टे बना लिए हैं। अब हम 3 फंदे एक साथ उल्टे बना लेंगे। इनको हमने इकट्ठा बना लेना है। फिर हम 6 फंदे उल्टे बनाएंगे। और जब ये हमारे 6 फंदे बन जाएं, तब पहले की तरह ही हम धागा यहीं से बनाते हुए एक सीधा फंदा बुन लेंगे बगैर धागा पीछे किए, ताकि हमारी एक जाली बन जाए। और फिर हम पीछे से ही धागा लाते हुए 6 फंदे उल्टे बनाएंगे। और ये 6 फंदे उल्टे बनाने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास 4 फंदे बचे हैं। इसमें पहले की तरह हम 2 फंदे उल्टे एक साथ बनाएंगे जैसे हमने शुरू में बनाया था, और फिर एक फंदा हम उल्टा बनाते हुए अगले फंदे को भी उल्टा बुन लेंगे। इस तरह से दोनों फंदे हम उल्टे बना लेंगे। इस तरह से हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हुई। फ्रेंड, इसमें हमारा सारा पैटर्न सीधी सिलाई पे ही बनना है। उल्टी सिलाई पे सारा हमारा पर्ल बनेगा, यानी हम उल्टा ही बनाएंगे। फ्रेंड, हमारी थर्ड रो शुरू होती है। इसमें सब कुछ फर्स्ट रो की तरह ही बनेगा, पर इसमें हमने जो 6 फंदे उल्टे बनाए थे उसमें हम अब 5 फंदे उल्टे बनाएंगे। यानी पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, दूसरे फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे, फिर उसके बाद 2 फंदे हम उल्टे एक साथ बना लेंगे, और फिर हम 5 फंदे उल्टे बनाएंगे। जो कि हमने फर्स्ट रो में 6 फंदे बनाए थे, वो इस रो में हम 5 फंदे बनाएंगे, ताकि एक एक फंदा हर सीधी सिलाई पर घट जाए। 5 फंदे बनाने के बाद उसी तरह से जहाँ पर जाली थी, हम
धागे को आगे न रख करके पीछे लाएंगे और एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है। फिर हम आगे धागा ला करके एक फंदा हम सीधा बनाएंगे और जाली बनाएंगे। फिर हम आगे धागा लाएंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर से हमारे पास एक जाली बनेगी। फिर हम धागा आगे ला करके पांच फंदे हम उल्टे बनाएंगे। और जब हम पांच फंदे उल्टे बना लेंगे, उसके बाद हम वहीं पर जैसे हमने तीन फंदे पहली सिलाई में एक साथ घटाए थे, उसी तरह से यहाँ भी हम तीन फंदे एक साथ घटा लेंगे, यानी बुन लेंगे, तीन का एक कर देंगे। फिर उसके बाद हमने पांच फंदे उल्टे बना लेने हैं। और जब हमारे ये पांच फंदे उल्टे बन जाएं, फिर हमने धागा पीछे करते हुए एक फंदा सीधा बनाना है। फिर आगे धागा ला करके एक फंदा सीधा बनाएंगे। फिर हम एक फंदा सीधा बनाएंगे आगे धागा ला करके। फिर हम पांच फंदे उल्टे बनाएंगे। फ्रेंड्स, सब कुछ उसी तरह से करना है, बस हमने 6 की जगह 5 करना है और एक फंदा पीछे ले जा करके सीधा फंदा बनाएंगे। अब देखिए लास्ट में 4 फंदे हैं, इसमें हम 2 फंदे उल्टे एक साथ बनाएंगे और फिर अगले 2 फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। फोर्थ सिलाई हमारी उल्टी बनेगी, जैसे हमने सेकंड सिलाई को उल्टा बनाया था। अब हमारी फिफ्थ रो शुरू होती है। इसमें पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, सेकंड फंदे को हम बुन लेंगे, उसके बाद 2 फंदा हम इकट्ठा बना लेंगे। 2 फंदों को इकट्ठा बना लेना है। फिर उसके बाद हमने 4 फंदे उल्टे बनाने हैं, जो कि थर्ड रो में हमने 5 फंदे उल्टे बनाए थे, फिफ्थ में हमने 4 फंदे उल्टे बनाने हैं। 4 फंदे उल्टे बनाने के बाद आप धागा पीछे करें और 2 फंदे आप सीधे बना लें, जो कि थर्ड रो में आपने धागा पीछे करके एक फंदा सीधा बनाया था, इसमें हम एक फंदा सीधा और बढ़ा लेंगे। फिर धागा आगे करें और एक फंदा सीधा बनाएं, इससे जाली बनेगी। फिर आगे धागा करें और 2 फंदे आप सीधा बना लें। फिर आप 4 फंदे उल्टे बना लें। चार फंदे उल्टे बनाने के बाद आपने 3 फंदे एक साथ बुन लेने हैं, यानी 3 फंदों का एक करना है। फिर आप 4 फंदे उल्टे बनाएंगे। चार, फिर इसके बाद आप धागे को पीछे करके 2 फंदे सीधे बनाएंगे। इधर से उल्टे फंदे कम हो रहे हैं और सीधे फंदे बढ़ते जा रहे हैं। फिर धागा आगे करें और सीधा फंदा बुनें, फिर आप आगे धागा करके एक फंदा सीधा बनाएं। इस तरह से 2 फंदे इधर भी आपने सीधे बना लिए। फिर आप 4 फंदे उल्टे बना लें।
लास्ट में चार फंदों का, फिर आपने दो फंदों का एक फंदा बनाना है, यानी दो फंदे आपने एक उल्टा बनाते हुए बुन लेना है और अगले दो फंदों को आपने उल्टा बना लेना है। इस तरह से हमारी फिफ्थ रो कंप्लीट हुई। सिक्स रो आपकी उल्टी बनेगी और फिर हमारा सेवेंथ रो में पैटर्न शुरू होगा। अब हमारी सेवेंथ रो शुरू होती है। इसमें पहला फंदा आप स्लिप करेंगे, अगले फंदे को उल्टा बनाएंगे, फिर अगले दो फंदों को आप एक साथ बुन लेंगे इस तरह से। अब इसमें हमने उल्टा फंदा एक कम करना है, यानी हमने तीन फंदे उल्टे बनाने हैं। हर सीधी सिलाई पर एक उल्टा फंदा कम हो जाएगा और सीधा फंदा बढ़ जाएगा। तीन फंदे उल्टे बनाने के बाद आप धागा पीछे करें और तीन सीधा बना लें। फिर आप धागा आगे करें, एक फंदा आप सीधा बनाएं, इससे जाली बनेगी। फिर आप धागा आगे करें, फिर आप एक फंदा सीधा बनाएं। इसके बाद आप दो फंदे और सीधे बुन लें, जाली के इधर भी तीन फंदे, जाली के उधर भी तीन फंदे, जो कि हम दोनों तरफ से एक एक बढ़ाते जा रहे हैं और उल्टे फंदे घटाते जा रहे हैं। फिर आप आगे धागा करके तीन फंदे उल्टे बना लें। तीन फंदे उल्टे बनाने के बाद फिर आपने तीन फंदे इकट्ठे एक साथ बुन लेने हैं, जो कि हम बीच में बुनते हैं हर सीधी सिलाई पर। फिर आप तीन फंदों को उल्टा बना लें। तीन फंदे उल्टे बनाने के बाद आप धागा पीछे करें और तीन फंदे आप सीधे बना लें, एक दो और तीन। फिर धागा आगे करें और एक सीधा फंदा बनाएं। इसके बाद फिर धागा आगे करके एक दो और ये तीन फंदे आप सीधे बुन लें। फिर आप धागा आगे करके तीन फंदे उल्टे बनाएं। और ये तीन। फिर देखिए हमारे पास लास्ट में चार फंदे बचे हैं, इसमें से दो फंदा हम एक साथ बनाएंगे और अगले दो फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। इस तरह से हमारी सेवेंथ रो कंप्लीट हुई। एट्थ रो हमारी उल्टी बनेगी। अब हमारी नाइन्थ रो शुरू होती है। इसमें वैसे ही पहला फंदा स्लिप करेंगे, अगले फंदे को उल्टा बनाएंगे, फिर अगले दो फंदों को हम एक बना लेंगे। फिर उसके बाद हम दो उल्टे बनाएंगे, क्योंकि हमारा एक उल्टा हर सिलाई में घटता जा रहा है। फिर धागा पीछे करके हम सीधे चार फंदे बनाएंगे। इधर से हमारा सीधा फंदा बढ़ता जा रहा है। फिर देखिए हमारी जाली आ गई है। अब हम धागा आगे करके एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर आगे धागा करके हम एक दो तीन और ये चार, चार फंदे हम सीधे बना लेंगे। फिर धागा आगे करके
हम दो फंदे उल्टे बनाएंगे। फिर उसके बाद हमने तीन फंदों को एक बना लेना है। फिर हम दो फंदे उल्टे बनाएंगे। फिर धागा पीछे करके हम सीधे फंदे बनाएंगे, एक दो तीन और ये चार। इस तरह से हम चार फंदे सीधे बना लेंगे। फिर हम आगे धागा करके एक फंदा बनाएंगे जिससे हमारी जाली बनेगी। फिर आगे धागा करके सीधा फंदा बनाएंगे जाली बनाते हुए, एक दो तीन और ये चार। फिर आप धागा आगे करके दो फंदा उल्टा बना लें। फिर देखिए चार फंदे बचे हैं, दो फंदे एक साथ इकट्ठे बुन लें और अगले दो फंदों को आप उल्टा बना लें। और ये हमारी 9th रो कंप्लीट हो गई। 10th रो हमारी उल्टी बनेगी और हमारा पैटर्न 11th रो पर बनेगा। अब हमारी 11th रो शुरू होती है। इसमें पहला फंदा हमने स्लिप करना है, अगले फंदे को उल्टा बना लेना है, फिर उसके अगले दो फंदों को हमने इकट्ठा एक बना लेना है, दो फंदों का एक करना है। फिर उसके बाद हम एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करके पांच फंदे हम सीधे बनाएंगे। फिर आगे धागा करके एक फंदा सीधा बनाएंगे जाली बनाने के लिए। फिर आगे धागा करके हमने वैसे ही फंदे सीधे बनाने हैं, पांच फंदे सीधे बना लेंगे। आगे धागा करके एक फंदा उल्टा बनाना है। फिर हमने तीन फंदे एक साथ बुन लेने हैं। फिर हमने एक फंदा उल्टा बनाना है, फिर धागा पीछे करके पांच फंदे सीधे बनाने हैं, दो तीन चार और ये पांच। फिर आगे धागा करके एक फंदा सीधा बनाना है। फिर आगे धागा करके वैसे ही हमने सीधे फंदे बना लेने हैं, यानी पांच फंदे सीधे बनाने हैं। फिर आगे धागा करके आपने एक फंदा उल्टा बनाना है और लास्ट में ये चार फंदे हैं जिनका दो फंदों का एक करना है और दो फंदे हमने उल्टा बना लेना है। और इस तरह से हमारी 11th रो कंप्लीट हो गई। 12th रो हमने उल्टी बनानी है फ्रेंड्स। ये